कहा जाता है कि पानी की कीमत रेगिस्तान का ऊंट और रेगिस्तान में रहने वाला अच्छी तरह जानता है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी मंत्री हैं, नए मंत्रालय के पुरानी समस्याएं आपके दरवाजे पर रख दी गई हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा संकट है, 2020 तक भारत में 21 शहरों में एक ऐसी स्थिति आएगी कि ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से पानी भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, पूरी दुनिया इस चिंता से जूझ रही है, चिंता से ग्रसित है। भारत के लिए निश्चित रूप से चिंता ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हम लगभग देश की 16-17% आबादी हमारे देश में है, दुनिया की सबसे बड़ी लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हमारे पास में है, और दुनिया का केवल 4% पोटेबल वाटर हमारे पास में, इसलिए चुनौती निश्चित रूप से हमारे पास सामने बड़ी है। लेकिन मैं तो क्योंकि पश्चिमी राजस्थान से आता हूँ और इन सब चुनौतियों के साथ में जीना, इनके साथ में संघर्ष और उसकी के साथ में अपने जीवन को बनाए रखना, तो जैसा आपने ठीक कहा कि पानी का मोल राजस्थान और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के व्यक्ति से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो संभावित दृश्य हमारे सामने है, इससे बचने का मार्ग भी यहीं खोजा जा सकता है, तो वो पश्चिमी राजस्थान के उन रेगिस्तान में खोजा जा सकता है, और या फिर खोजा जा सकता है गुजरात के उस क्षेत्र में रन ऑफ कच्छ के आसपास, जहाँ एक एक बूंद पानी को जिस तरह से सहेजे जाने की परंपरा रही है और उसी के आधार पर अपना जीवन वर्ष भर चलाना है, तो निश्चित रूप से मार्ग मिलेगा। तो ये जल शक्ति मंत्रालय की आज क्या सोच है? आपको शपथ लिए समय हुआ है, लेकिन क्या सोच है? सभी मंत्रालयों को जोड़ करके आप क्या करना चाहेंगे जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ? देखिए, इस देश में आज़ादी से लेकर के जो गवर्निंग सिस्टम था, जिस तरह से सरकार काम कर रही थी, विभिन्न मंत्रालयों के अधीन काम कर रहे थे, जल का विषय जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा डील किया जा रहा था। अर्बन वाटर सप्लाई अलग मंत्रालय में है, रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन अलग मंत्रालय में है, बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स बड़े मंत्रालय जो है, वो वाटर रिसोर्स हमारी नदियाँ जो हैं, सारी गंगा के अतिरिक्त सारी नदियाँ, गंगा और गंगा बेसिन की नदियों के अतिरिक्त बाकी सारी नदियाँ MOEF के साथ में, वन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ में। एक्वीफर रिचार्ज जो एक सबसे बड़ा विषय है, जो आज सबसे बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है, वो वाटरशेड के पास जो का प्रोग्राम जो है वो रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय में है। डिसैलिनेशन जो भविष्य है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में। इस तरह से विभिन्न जगहों पर ये एक विषय एड्रेस किया जा रहा था, और ये इंटीग्रिटी नहीं होने के कारण से अब बदली हुई परिस्थितियों में जब चुनौतियाँ सामने दिखती हैं, ऐसे समय में ये आवश्यक भी था, समय की मांग भी थी कि पानी के विषय को एक साथ जोड़कर इन टोटल देखा जाए, एक होलिस्टिक व्यू लिया जाए। भारत एक तरह से कहा जाएगा कुआं प्रधान देश था। कुएं जो थे वो तमाम जगह पे पूरे भारतवर्ष के लगभग सारे हिस्से में एक तरह से जल का मेन स्रोत थे। आज़ादी के समय से लेकर के अगर आज की स्थिति देखें तो उनका एक्सप्लॉयटेशन लेवल एक बहुत नए लेवल पर आ गया है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि नदियां हर जगह नहीं पहुंचा सकती, नदियों में जो पानी है वो सीमित है। देखिए, अंडरग्राउंड वाटर निश्चित रूप से आज भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सस्टेनेबल सोर्स है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो और या सिंचाई का पानी हो। आज भी देश की लगभग 60% से ज़्यादा सिंचाई जो है, पंजाब से लेकर के राजस्थान तक सब जगह पर जो सिंचाई है, वो 60% से ज़्यादा सिंचाई जो है वो भूगर्भ के जल पर आधारित है। ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी आने की, जब आपने कुओं की बात की, कुओं के माध्यम से निकालते थे, तब तक तो है वो भूजल का दोहन उस स्तर पर नहीं हो पा रहा था, लेकिन पिछले 40 साल में जिस तरह से ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी आई और ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी के कारण से देश भर में जिस तरह से ट्यूबवेल खोदने का क्रम प्रारंभ हुआ, पूरी दुनिया में के लगभग सब देशों में पानी जो है, जमीन का पानी या सतह का पानी या भूगर्भ का पानी, दोनों नेशनल ट्रेजर है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण से, और सरकारों ने लगातार जिस तरह से, प्रदेश सरकारों ने, आप सब जानते हैं, हम सबको जानकारी है कि पानी जो है सीधे संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार प्रदेशों का विषय है, राज्य का विषय है, और जो जिस तरह से अंधाधुंध भूजल का दोहन हुआ, आज भूगर्भ का जल हम सब के लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह के ये का कार्यक्रम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिए हैं और अब लेने वाले हैं इस मंत्रालय के माध्यम से, बहुत सारे प्रदेशों ने इसमें एग्जाम्पलरी काम किया है। महाराष्ट्र ने
महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए कि उन्होंने जलयुक्त शिविर का जो कार्यक्रम लिया, आज महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्रों में भूगर्भ जल की और सतही जल की परिस्थितियाँ एकदम से बदल गई हैं। गुजरात ने लिया है, राजस्थान ने भी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत पिछली सरकार के समय माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम किया। लेकिन क्योंकि कई जगह मुझे लगता है कि आवश्यकताओं पर राजनीति हावी है। किस तरह से कहेंगे आप राजनीति हावी है? सरकार बदलने के बाद में राजस्थान की वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जिसने ऐतिहासिक परिणाम दिए थे, तो जो परिणाम जिन पर अकल्पनीय परिणाम दिए थे, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती कि जहां देश भर में भूगर्भ का जल जो है उसका स्तर नीचे गिर रहा है, वहां जहां MGSA ने सक्सेसफुली काम किया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत काम हुआ, वहां सब जगह भूजल का स्तर बढ़ा है। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट कह रही है, जिन 21 शहरों का मेंशन कर रही है जहां पे पानी स्ट्रेस्ड लेवल पे आ जाएगा और भूगर्भ में पानी नहीं बचेगा, उसमें तमाम राज्य ऐसे हैं जहां की बीजेपी की भी सरकार है। नहीं, मैं बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, मैंने कहा कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने काम किया, गुजरात में बहुत अच्छा काम हुआ है, राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन इन कामों से प्रेरणा लेकर के दूसरे प्रदेशों को भी इस दिशा में तेजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि क्योंकि प्राथमिक रूप से ये विषय राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए राज्य सरकारों को दूसरी सहवर्ती सरकार और प्रदेशों के साथ में के से जो है वो प्रेरणा लेकर के और काम करने की। एक ही आइटम है शायद स्टेट सब्जेक्ट में जो सेंट्रल सब्जेक्ट में आता है वाटर का, लेकिन फिलहाल क्या केंद्र सरकार इस दूरी को पाटने के लिए, क्योंकि पानी तो कांस्टेंट है और सभी के लिए बराबर है, दूरी को पाटने के लिए राज्य और केंद्र के बीच में और सबके इंटरेस्ट को एक करने के लिए एक नेशनल पिक्चर लिए कोई कोशिश करेगा? निश्चित रूप से ऐसे प्रयास हुए, माने मोदी जी की सरकार बनने के बाद में पिछले टेन्योर में भी भारत को एक टीम इंडिया के रूप में देखते हुए उन्होंने जो है नेतृत्व करते हुए काम प्रारंभ किया था। पीएम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक उदाहरण है। प्रदेशों ने कितने तरह के किस तरह के प्रोजेक्ट लिए, 247 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो लिए गए थे पिछले दशकों में, वो कई दशकों से अधूरे पड़े थे, अनप्रोडक्टिव पड़े थे, उनमें से आइडेंटिफाई करके और 99 प्रोजेक्ट जो हमने हाथ में लिए और वो 99 प्रोजेक्ट की हम समयबद्ध तरीके से उनको पूरा करेंगे, सरकारों का राज्य सरकारों की हैंड होल्डिंग की, उनके टेक्निकल हैंड होल्डिंग की, उनके साथ में उनको फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग की, और आज परिणाम हमारे सामने हैं। 34 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुके हैं और लगभग 30 ऐसे प्रोजेक्ट और हैं जो आने वाले समय में, आने वाले दिसंबर तक जो हमारी टाइमलाइन थी उससे पूरे हो जाएंगे। लेकिन वहाँ भी हमारे सामने ही जो है वो दृश्य है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो प्रोएक्टिव मैनर में काम कर रहे थे, उनके यहाँ परिणाम ज़्यादा अच्छे आए। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ छोटे छोटे विषयों को लेकर के काम नहीं हो पाया, वहाँ आज भी परिणाम जो है वो उस स्तर पर नहीं आ पाए जहाँ। सो व्हाट विल गजेंद्र कौशिक शेखावत डू, व्हाट विल यू डू, जल शक्ति मंत्रालय आज क्या करेगा? सो मराठवाड़ा में बहुत बुरा हाल है, टैंकर आने के 5 मिनट में पानी का टैंकर खत्म हो जाता है। कर्नाटका में, तमिलनाडु में लोग 2500 रुपये के करीब पानी का टैंकर खरीद के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कर्नाटका में सारी लेक्स मर चुकी हैं, गंगा साफ नहीं है, यमुना का हाल बुरा है। शेखावत साहब के सामने चैलेंज बहुत लंबा है। निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है चुनौतियों के साथ में खेलना और उसको अगर पार पाना है तो बहुत आनंद का विषय भी है और जो है मुझे लगता है कि उसमें जो है यशस्वी भी होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जैसा आपने कहा कि क्या करेंगे, अभी तो मैं वर्तमान में हाल ही में मैं आया हूँ, लेकिन अगले ही सप्ताह के पहले दिन इस सारी अवस्था को देखते हुए कि देश भर में पीने का पानी बड़ी चुनौती बनने वाली है, मानसून डिलेड है, उस चुनौती को देखते हुए हमने सारे प्रदेशों के जो है पेयजल से जुड़े हुए जो मंत्री हैं उन सबको और उनके अधिकारियों को बुलाया, एक साथ बैठ करके हम देश के परिदृश्य के बारे में चिंता करें, विचार करें। दिल्ली सरकार ने का चुनावी प्लान था कि फ्री में पानी मिलेगा? नहीं, मैं पानी की प्राइसिंग के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अभी पानी हर घर तक पहुँचे ये प्राथमिकता है, बाकी सारी प्राथमिकताओं पर धीरे धीरे काम करेंगे जैसे होगा, लेकिन हर घर तक पहुंचे इसको सुनिश्चित। प्राइसिंग एक चैलेंज है कि नहीं, कहीं ना कहीं इस देश को तय करना होगा कि पानी जैसी कमोडिटी। अभी मुझे लगता है कि पानी के लिए पानी की प्राइसिंग से ज़्यादा चुनौती जो है वो बिजली की प्राइसिंग ज़्यादा चुनौती है, बिजली की प्राइस नहीं होने का, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी में फ्री होने के कारण से जिस तरह से पानी का ओवर यूज़ हो रहा है,
ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओवर यूज होगा तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। आज पंजाब जैसे प्रांत में 4,000 लीटर प्रति किलोग्राम के दर से जो है 1 किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए पानी का उपयोग हो रहा है। मैं क्योंकि पहले कृषि मंत्रालय में काम करता था, जबकि दुनिया भर में इस तरह के व्यवस्थाएं हैं कि आज 300 लीटर से भी कम पानी में 1 किलो चावल पैदा किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये विषय कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी से शुरुआत करें तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे देश में एक बोध जागृत करने की आवश्यकता। थोड़ा सा तुलसीदास ने कहा है कि भय बिन होए न प्रीत। चलिए, क्या ये सरकार को बताना पड़ेगा? मुझे लगता है कि भय से ज़्यादा आवश्यकता जो है वो हैंडहोल्डिंग और बिहेवियरल चेंज के लिए काम करने की है। और जब एक देश का नेता एक चैंपियन की तरह खड़ा होता है तो दुनिया जो है देश निश्चित रूप से उसके आदर्श के साथ में काम करने के लिए राजी होती है। कृषि में आपने जो कही बिजली की बात, एक नई टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के लिए कुछ काम करेंगे नए मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, वो इरिगेशन मिनिस्ट्री की तरफ से? देश मैं क्योंकि बहुत अच्छे से आपके इस प्रश्न का जवाब इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैंने उस मंत्रालय में बहुत दिन तक काम करने का मुझे अवसर मिला और साथ ही साथ मैं किसान भी हूँ। देखिए, नई तकनीकी का समावेश अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये वही भारत देश है जो फूड डेफिसिट नेशन के रूप में जाना जाता था, जिसके कभी एक प्रधानमंत्री को ये देश का आह्वान करना पड़ा था कि देश के संपन्न लोगों को एक समय सप्ताह में उपवास करना चाहिए ताकि देश के लोगों को भोजन मिल सके, जिस देश की सरकार और सरकार के मुखियाओं को दुनिया भर में अनाज का है कटोरा लेकर के घूमना पड़ता था, उसी देश में आज ये परिस्थिति बनी है कि वो देश दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न का उत्पादक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है दूध का उत्पादक देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का उत्पादक देश है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मीट का एक्सपोर्टर है, उसी देश जो दुनिया का सबसे बड़ा राइस कॉटन का उत्पादक देश है। तो ये निश्चित रूप से नई तकनीकी और किसान के परिश्रम के कारण से संभव हुआ है। इसलिए तकनीकी का समावेश नई तकनीकी के साथ में जुड़ना ही अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। देश की सरकार के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो किसान की आमदनी दुगना करने का संकल्प लिया है उसका एक प्रमुख आयाम यह है कि हम नई तकनीकी के साथ में खेती के लिए किसान को जो है वो शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें, जागरूक करें, जागृत करें और प्रोत्साहित करें। शेखावत साहब, आपका काम इसलिए मुश्किल है कि नरेंद्र सिंह तोमर साहब जी की मिनिस्ट्री कहती है कि मैं आमदनी किसानों की दुगनी कर दूंगी। उनका मंत्रालय का अभी फोकस ये नहीं है कि किस तरह से पानी बचाया जाए, उनका फोकस है कि पानी किसी भी तरह से पाओ, गहरा गड्ढा खोदो, पानी निकालो और खेती में आमदनी बढ़ाओ। मैं ऐसा नहीं मानता। एक मिनिस्ट्री आय का मामला अभी तक यही सीमित था। क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैंने उस मंत्रालय को फोकस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस मंत्रालय के साथ में काम किया है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने फोकस को शिफ्ट किया है। जहां इस देश में फोकस एग्रीकल्चर की तरफ देखने का, कृषि की क्षेत्र की तरफ देखने का नजरिया जो है वो हमेशा से प्रोडक्शन सेंट्रिक था, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उसको बदल करके इनकम सेंट्रिक किया। ये शिफ्ट ऑफ फोकस है। पॉलिसी प्लानिंग सारी आमदनी बढ़ाने के जो है नजरिए से हो, और उसके लिए जो हमने 7-पॉइंट प्रोग्राम अप्रोच जो है लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, वो हम उसकी कीमत लागत को कैसा कम करें, तकनीकी के उपयोग से उसकी जो है आदानों की कीमत जो इनपुट कॉस्ट को कैसे कम करें, उसको राइट प्राइस कैसे मिले, उसको राइट मार्केट कैसे मिले, और अब इससे आगे बढ़ करके उसको जो है हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ में अपने, ये सब मैं मान रहा हूँ ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करेगा, लेकिन क्या किसान को ये भी सीखना होगा कि कम बिजली कम पानी कुछ? देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जितने संस्थान काम कर रहे हैं, लगभग हर एक संस्थान जो कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष जो है फील्ड क्रॉप से जुड़ा हुआ है, वो हर एक संस्थान इस विषय के साथ में काम कर रहा है, इस चेतना के बोध के साथ में काम कर रहा है कि आने वाले समय में हमको कम पानी के साथ काम करना पड़ेगा। और न केवल भारत में, पूरी दुनिया में हो रहा है, मुश्किल काम है, क्योंकि देखिए स्टबल बर्निंग पे नहीं समझा पाते हैं किसानों को सरकारें। वोट बड़ा तगड़ा है उनका, वोट स्ट्रांग है। नहीं, मैं मानता हूं कि जिस तेजी के साथ में काम होना चाहिए शायद वो नहीं हो पाया होगा स्टबल बर्निंग में, लेकिन स्टबल बर्निंग में, रेजिड्यू बर्निंग में बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब ये अपना देखने का नजरिया है कि वो ग्लास आधा भरा हुआ दिखता है या आधे खाली दिखता है।
नहीं, वो आसमान थोड़ा भरा हुआ ज्यादा लगता है। नहीं, पिछले बार के बजाय अब की बार कुछ शायद कम भरा हुआ दिखा होगा, तो आपको वो जो अच्छा दिखा है उसको देखने का एक सवाल और उठ रहा है कि जो चेन्नई जैसे शहर हैं, कर्नाटक है, वहाँ के लेक्स मर रही, उसके लिए कुछ इमीडिएट मेजर्स आप सोच रहे हैं? इमीडिएट मिटिगेशन, शॉर्ट टर्म मेजर्स कुछ? जैसा मैंने कहा, ये सारे विषय प्रत्यक्ष रूप से राज्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने ऐसे रिजर्वायर्स के रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम को पूरे व्यापक रूप में लेने की योजना बनाई है, और उस योजना के साथ में हम काम करेंगे, प्रदेशों को प्रोत्साहित करेंगे, प्रदेशों को आर्थिक सहयोग करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि जो आपके केंद्र सरकार के रिजर्वायर हैं उनकी हालत उतनी बुरी नहीं है? केंद्र सरकार के रिजर्वायर जिन जो जो चर्चा में आपसे कर रहा था कि जो 90 बड़े रिजर्वायर्स हैं जिनको हम डे टू डे बेसिस पर मॉनिटर कर रहे हैं, सारे मीडिया में मित्र जो हैं वो बात इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि रिजर्वायर्स में, बड़े रिजर्वायर्स में केवल 20% पानी बचा है। तो हम आज जिस तारीख को बात कर रहे हैं उस तारीख में केल में पिछले वर्ष जितना पानी इन सारे रिजर्वायर्स में था उससे 14% ज़्यादा आज हमारे इस समय ज़्यादा है। 10 साल के अगर मैं पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखूं तो भी उस 10 साल के एवरेज से भी कुछ प्रतिशत ज़्यादा पानी हमारे पास में, पिछले 3 साल का एवरेज उठा करके देखूं तो भी 3 साल के एवरेज से ज़्यादा पानी इस वर्ष हमारे उन बांधों में जिनको हम मॉनिटर करते हैं डे टू वीकली बेसिस पर उनके पास में ज़्यादा है। और अब आज हम जब मानसून जिस समय देश में अपेक्षित होता है उन तिथियों पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है, लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है कि जो केंद्र द्वारा मॉनिटर्ड हैं उनके प्रबंधन में शायद कुछ ऐसा अच्छा हो रहा जो कि राज्य सरकार ठीक से नहीं कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में? मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, हर एक रिजर्वायर की अपनी अलग प्रकृति है, अलग नदी, हर एक जो है बांध की अपनी अलग नेचर है, इसलिए ऐसा कहना इन जनरल ये कहना कि उन्होंने, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज जो आप देखेंगे? निश्चित रूप से पानी का अगर हम ठीक से उपयोग करेंगे और जैसा मैंने कहा विवेकपूर्ण सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इन सब से पार पाया जा सकता है। माइक्रो इरिगेशन, आज फ्लड इरिगेशन से अगर माइक्रो इरिगेशन पे देश शिफ्ट होता है, जिसके लिए पूरी ताकत से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, हमने एक अलग कॉर्पस बनाया, हमने किसानों को प्रोत्साहित करके, किसानों को इंसेंटिवाइज करके उस तरफ ले जाने के, शिफ्ट करने के लिए काम किया, परिणाम आए। अब धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि किसान भी इस विषय को निश्चित रूप से समझेगा, प्रत्येक व्यक्ति इस विषय को समझेगा, और जब पानी और प्रकृति का संरक्षण एक जन आंदोलन बनेगा तो निश्चित रूप से सफलता। लेकिन गंगा तो निर्मल कर नहीं पाए आप। देखिए, जहाँ तक गंगा को निर्मल करने का प्रश्न है, जिस तरह के राजनीतिक व्यवधान पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के समय में थे, मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से जानकारी होगी कि किस तरह से तत्कालीन सरकार ने इसमें रोड़े अटकाने का काम किया था, किस तरह से तत्कालीन मंत्रियों ने चिट्ठियां लिख करके कि इसमें कोई भी काम बिना हमारी स्वीकृति के न हो, इसको इस तरह के जो है लिखित आदेश पारित किए थे। लेकिन गंगा की सफाई के लिए जो सबसे बड़ा कि गंगा में जो गंदा पानी, मैला पानी मिलता है उसको अनुपचारित पानी न मिले, इस दिशा में काम करने का था। हमने 298 प्रोजेक्ट्स टोटल लिए थे, उसमें से 98 प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और आने वाले 100 दिनों में हम इनमें कई सारे प्रोजेक्ट्स और पूरे कर देंगे। 100 दिन में 100 प्रोजेक्ट्स जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो एक सिग्निफिकेंट बर्डन जो है गंगा पे जो मैले पानी की आ रही है वो कम हो जाएगी। और हर एक काम का अपना एक गेस्टेशन पीरियड है, एक बार ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद में प्रभाव आपको निश्चित रूप से दिखाई देने लगेगा। हालांकि रिवर क्लीनिंग के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, जब गंदा पानी नहीं मिलेगा, साफ होकर के पानी मिलेगा तो अपने आप रिवर क्लीनिंग हो जाएगा। हालांकि एक बार मैं फिर आपको कहूँगा कि हमको अपने देखने के नज़रिए के बारे में विचार करना पड़ेगा। ये वही गंगा है जिसमें पानी जो है जिसमें नहाने से पहले शायद लोग सोचते थे, और अभी इतने बड़े कुंभ में करोड़ों करोड़ लोगों ने प्रत्यक्ष रूप में इस एक बात को देखा है कि गंगा में बदलाव हुआ है, गंगा का पानी निर्मल हुआ है, और हमारे इस कमिटमेंट की सराहना देश के करोड़ों लोगों ने जो इस कुंभ में गए थे उन्होंने की। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है, आपकी बात से बहुत सारे लोग सहमत भी हैं, एक्सपर्ट्स वो कह रहे हैं कि एक लेवल पर ये क्राइसिस मैनमेड बनाई जा रही है, प्रोजेक्ट की जा रही है, क्योंकि वाटर एक बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट कर रहा है, टैंकर्स हैं, आरओ ऑपरेटर्स हैं जो कि पानी रिवर्स ऑस्मोसिस करके साफ करके बेचते हैं, एक बहुत बड़ी लॉबी है। वो कहते हैं कि जहां इंद्रदेव नहीं पहुंच पा रहे, जो नहीं कर पा रहे, जो भारत की सरकार नहीं कर पा रही, ये टैंकर कर देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं से तो टैंकर वाला भी पानी लाता होगा, तो पानी अगर अवेलेबिलिटी क्वेश्चन होता तो टैंकर माफिया पानी कहाँ से लाता? यानी अवेलेबल है पानी, निश्चित रूप से अवेलेबल नहीं होता तो टैंकर माफिया कहाँ से? लीगल एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन क्योंकि मैं कहूँगा, क्योंकि इस विषय पर
तो अधिकृत रूप से जवाब राज्य सरकारें जो पानी का अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन, बट विल वी हैव टू लुक एट इट, क्या हमें देखना पड़ेगा इस प्रश्न को कि इलीगल पानी का जो दोहन कर रहा है ग्राउंड वाटर से, वो आदमी कहीं ना कहीं एक पब्लिक का रिसोर्स कमर्शियल प्रॉफिट के लिए कर रहा है। मैंने आपको कहा, जैसा मैंने कहा कि क्योंकि इस देश में पानी जो है नेशनल प्रॉपर्टी दूसरे देशों की तरह नहीं है, और क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है, इसलिए इस विषय पे जो है सीधे प्रत्यक्ष हम न तो किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकते हैं और न कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से एक एडवाइजरी इश्यू कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से बात कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे, हमने की भी है। हमने इन सारे विषयों को लेकर के, पेयजल के सारे विषयों को लेकर के समय समय पर राज्य सरकारों के साथ में एडवाइजरी इशू की है, और अभी तो जैसा मैंने कहा कि अभी कुल 4 दिन हुए हैं और इसी सप्ताह के अगले दिन जो समाप्त हो, नए सप्ताह के पहले दिन ही देश भर के पेयजल से जुड़े हुए जो है मंत्रियों को और उनके अधिकारियों को बुलाया है, इन सारे विषयों पर बैठ करके उनसे बात करेंगे, और देश के सामने ये जो चुनौती है, इस चुनौती कैसे को किस तरह से चुनौती दी जा सकती है, इस पर बात करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चुनौती स्वीकार की है, उस चुनौती को किस तरह से पूरा जो है उस राज्यों का सहयोग किस तरह से अपेक्षित है, इस बारे में जी ये बहुत आपने जो बात कही, ये ऐसा प्रॉमिस है, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर इस चीज़ पे सरकार खरी नहीं उतरी तो 5 साल के बाद जो सवाल पूछे जाएंगे वो बहुत टफ होंगे, क्योंकि ये टैक्स नहीं, ये 15 लाख रुपया बैंक नहीं, ये पानी है। 2014 में जब बैंकों की बात, बैंक में खाता खोलने की बात मोदी जी ने की थी, तब भी आप जैसे बहुत सारे मित्रों ने उस समय बहुत सारे लोगों को प्रश्न किए थे। जब हमने बिजली की बात की थी, घर घर बिजली पहुंचाने की, तब भी इस तरह के प्रश्न बहुत सारे मित्रों ने किए थे। जब हमने शौचालय बनाने की बात की थी कि 10 करोड़ शौचालय बना देंगे, घर घर शौचालय पहुंचाएंगे, तब भी किए थे। जब हमने एलईडी बल्ब 33 करोड़ घरों तक पहुंचाएंगे, तब जब बात की थी, तब भी बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न किए थे। मुझे लगता है कि अब तो इतने सारे प्रेसिडेंट्स आपके पास में हैं कि अब तो ये प्रश्न शायद बेमानी हो गए। हमारे साथ बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले में हम कहेंगे कि आप सफल हों। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also, check out our other great videos from our channel, We Know You Will Love To.